अरे भाई, ये जो मैंने इसके जैसा सुखदायक जब देखते हैं कि बच्चा सब आराम से सोया, लगता है कि हम ही चैन से सोए। एक और जहां कई लोग कुत्तों से खौफ खाकर उन्हें मारने दौड़ते हैं, वहीं भागलपुर के रहने वाले सौरभ मिसाल पेश कर रहे हैं। वे करीब 35 सालों से लावारिस कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सौरभ अपनी आमदनी का 70% हिस्सा कुत्तों पर खर्च कर देते हैं। भागलपुर मसाक चक के रहने वाले सौरभ बनर्जी पेशे से शिक्षक हैं। एक दिन जब वे बाजार से अपने घर जा रहे थे, उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक कुत्ता दर्द से कराह रहा है। रास्ते से गुजर रहे लोगों में से कोई भी कुत्ते की मदद को सामने नहीं आया। बेजुबान जानवर की पीड़ा देखकर सौरभ के मन में कुत्ते की सेवा करने की इच्छा जाग गई। वे उसको उठाकर अपने घर लाए और उसका इलाज कराया। उसी दिन से सौरभ को जहां भी बीमार कुत्ता दिखता है, उसे घर ले आते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। धीरे धीरे सौरभ बनर्जी को बेजुबान जानवरों की सेवा करना अच्छा लगने लगा। इस समय उनके घर में 25 कुत्ते हैं। वो अपनी कमाई का 75% हिस्सा कुत्तों पर खर्च कर देते हैं। उन्होंने सभी कुत्तों के लिए रूम और बेड की व्यवस्था कर रखी है। उनके बच्चे नहीं हैं, वे कुत्तों को ही अपनी संतान मानते हैं। पिछले 35 वर्षों से सौरभ इस सेवा में लगे हुए हैं। अभी तक उन्होंने करीब 200 कुत्तों का पालन पोषण किया है। जब कुत्ते का देहांत हो जाता है तो उसे दफन भी किया जाता है। सौरभ बनर्जी ने हमारे संवाददाता को बताया कि इन बेजुबान जानवरों के बिना मेरी दुनिया अधूरी है। सौरभ के इस काम से पड़ोस भी काफी खुश है। पड़ोसी उनके इस कार्य की प्रशंसा करते नहीं थकते। पड़ोसी डॉक्टर सुनील ने बताया कि मानव सेवा की तरह ही जानवरों की सेवा अच्छा कार्य है, इसको करने में आनंद आता है। नहीं, खराब लगने का सवाल है, ये तो एक प्रेरणा का स्रोत जो है वो हमारे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और जितना ये डिवोटी हैं, जिस कदर ये सेवा करते हैं, तो हम लोग को आश्चर्य इस बात का लगता है, एक इंसान तो एक इंसान का इतना केयर करता नहीं है, सोचता नहीं है जितना ये प्रॉपर केयर करते हैं। और आज से नहीं है, विगत 30 साल से मैं इनको देख रहा हूँ। इनकी सेवा जो है वो डिवोशन इनका बढ़ता जा रहा है। उम्र इनकी बढ़ती जा रही है, साथ साथ इनका डिवोशन भी बढ़ता है। सबसे दुख होता है कि जब सड़क पर देखते हैं ना, ऐसा पड़ा रहता है, उस समय हम कुछ करने, हाँ, बच्चा होता तो साइकिल के टोकरी में बैठा कर ले आते हैं। बड़े कुत्ते के लिए दिक्कत हो जाती है लाना, क्योंकि भाई हम सितंबर में पिछले साल मैंने कर रहे थे, बेचारा दांत बैठा दिया, दर्द से मर गया बेचारा 2 साल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।